मेरा नाम गौतम चैटर्जी है और आशा करते हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है और मैं दिखाई भी दे रहा हूँगा। लाइफ के साथ शुरू में ये थोड़ा पूछना पड़ता है या एडजस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं कृतज्ञ हूँ कि जन सुलभ पुस्तकालय विशेषकर अर्पण जी ने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए बोलने के लिए। दूसरा, इस कृतज्ञता में मेरे भीतर एक आनंद भी है कि मुझे कुंवर जी को लेकर कुछ बोलना है या याद करना है। तो ये एक बहुत ही स्पर्श कातर या आत्मीय स्पर्श सा मेरे पास ये अनुभव हो रहा है, क्योंकि कुंवर जी पर जिस पर हमारा मन या हमारा हृदय जिस तरह से जुड़ा है वो एक अनंत आयामी या एक कहा जा सकता है कि आलोकवर्षी संपर्क रहा है। तो हमेशा ही मन में एक छवि है और उनकी आवाज़ है अभी भी। जैसे होता है ना कि आप मैं अगर किसी को याद करना चाहूँ कि मेरे पिताजी मुझे कैसे पुकारते थे, तो उनके शब्द के साथ उनकी आवाज़ भी, माने उनके गले का जो टिम्बर है वो भी आएगा, वो भी मुझे वो भीतर सुनाई देगा, जो ऑडिबल तो नहीं होता है लेकिन ऑरल होता है। तो कुंवर जी की बात, कुंवर जी का ख्याल आते ही उनकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है भीतर। और ये शायद आप सबका अनुभव होगा कि ये आवाज़ जो होती है वो हमारी मेमोरी में कुछ इस तरह की होती है कि जो हमारे कानों से ऑडिबल नहीं होती है लेकिन ऑरल होती है। तो क्यों ना आज ऐसा किया जाए कि वो बोले हमारे माध्यम से आप तक के पास जाए, जो आवाज़ मुझ तक आ रही है वो आप तक जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम लोग कबीर साहब की एक लाइन याद कर सकते हैं कि ये तो कृष्ण की बांसुरी है, मैं कृष्ण की बांसुरी हूँ जिसमें वो फूंक भरते हैं और आप सुनते हैं और आपको लगता है कि कबीर बोल रहा है। तो ये मेंटल स्टेट पाना, बोलने से पहले इसको उपलब्ध करना, मुझे लगता है ये सबसे पहले ज़रूरी है कुंवर जी जैसे व्यक्तित्व पर बोलने के लिए, है ना। विषय रखा गया है कुंवर नारायण की सिनेमा दृष्टि। तो पहले तो सिनेमाई जो बनाए हुआ शब्द है, इसकी ध्वनि बहुत अच्छी नहीं लगती है लेकिन हिंदी में ये चलता है। और सिनेमाई दृष्टि से ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म मेकर है, कोई फिल्मकार है, वो कैसे सिनेमा के प्रति अपना विजन रखता है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और सभी जानते हैं कि कुंवर जी की जो प्रतिष्ठा है वो एक साहित्यकार के रूप में है, कवि के रूप में है। लेकिन विजन किसी का भी हो सकता है, कोई फिल्म नहीं बनाए तो उसके पास भी हो सकता है, और वो उसका विजन कुछ ऐसा हो सकता है जो एक फिल्म जैसा हो। जैसे हम लोग फ्रेंच फिल्म क्रिटिक आंद्रे बाजन को जानते हैं, जिसको भारत में स्पेलिंग वाइज आंद्रे बेजिन कहते हैं लेकिन फ्रेंच में आंद्रे बाजन, वो उनका लिखा हुआ ऐसा होता था कि फिल्म मेकर को लगता था कि वो कंप्लीट फिल्म हो गई है। तो वहाँ विजन इम्पॉर्टेंट है, ये दृष्टि। इसलिए कुंवर नारायण की सिनेमाई दृष्टि पर जब हम बात करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बदल दें, कुंवर नारायण और सिनेमाई दृष्टि, तो हम प्रेडिकेट से स्टार्ट करना चाहेंगे दृष्टि। क्योंकि जो भौतिक रूप है या छवि है वो तो मॉर्टल है, पार्थिव है, लेकिन दृष्टि जो है वो मुझे लगता है कि इनएफेबल है, अमूर्त है, और जो पार्थिव नहीं है, अपार्थिव है, है ना। और चूँकि मैं पहले ही बता दूं कि मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, साहित्यिक नहीं हूँ, जिसको कि साहित्यकार हिंदी में कहते हैं, बांग्ला में साहित्यिक है, और मैं साहित्य का शिक्षक भी नहीं हूँ। साहित्य का एक पाठक कह सकते हैं, पढ़ना जो भी सामने आता रहा है, होता रहा है। तो उस दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास मेरी जो अपनी एक समझ बनी है देह की उम्र के साथ, वो ये है कि भारतीय परंपरा में, भारतीय मनीषा में जो ऋषि है वही कवि है, यह हमें बताया गया, हमने देखा, और यही मेरा अनुभव भी है कि जो कवि है वही ऋषि है। आज हमारे यहाँ
कवि और ऋषि दो अलग अलग शब्द कहलाते हैं, और उस दृष्टि से देखने पर फिर एक फ़र्क दिखता है कि जो कवि है वो ऋषि जैसा नहीं है, या जो ऋषि है वो फिर कवि नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कवि के बारे में अंतिम प्रामाणिक जो परिभाषा की गई है, या जो कि अर्थ गर्भ परिभाषा है, वो यही है कि जो ऋषि है वही कवि है, जो जीवन में ऋषि है। ऋषि की निरुक्ति हम लोग जानते ही हैं कि मंत्र दृष्टा रो ऋषयः, तो जो मंत्र को देखता है, जो देख सकता है, यानी जो उसे देख सकता है, जो हमारे देखने के पार है ना, जो हमें इमॉर्टल आईज से नहीं दिखता या हमें इमीडिएट आईज से नहीं दिखता, उस चक्षु के बाहर उसके पार जो कुछ भी उसे जो देख सकता है वो ऋषि है। और वो ऋषि जब अपनी अभिव्यक्ति देता है तो वो कवि है। ये मेरे पास एक कवि के बारे में जनरल नॉलेज है, एक मेरा अपना अनुभव यही है। इसके बाद जब मैंने कविता पढ़ी अपने जीवन में, पढ़ना हुआ, वो कविता बहुत लंबी कविता थी जिसे देर दिनों तक मैं पढ़ता आ रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। और उस कविता का नाम है सावित्री, श्री अरविंदो की कविता है। और इसमें कविता के जितने भी तत्व हो सकते हैं, कविता के बारे में जितने भी ख्यालात हो सकते हैं, चाहे आइडिया हो, चाहे विजन हो, चाहे उसकी कलामिति हो या काव्य तत्व हो, सब कुछ मिलता है। और इसी समझ के साथ, यानी कि ऋषि दृष्टि और अरविंदो की सावित्री के साथ, जब मेरी पहली मुलाकात कुंवर जी से हुई तो मुझे मेरी खुशी बहुत बढ़ गई ये जान के कि ये उनकी भी प्रिय पुस्तक है। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी प्रिय पुस्तक है सावित्री, और हम लोग की बात वहीं से शुरू हुई। फिर आत्मजयी से होते हुए कुमार जीव तक लंबी बातचीत होती रही। और बातचीत क्या होती थी, ये अर्ली 80s के दिनों से एक परिचय था। और फिर मैं जब स्वतंत्र भारत अखबार में मैगजीन एडिटर हुआ लखनऊ, तो अमूमन शाम को मैं उनके पास ही जाता था, हाँ, और शाम को उनके पास जा कर के बातचीत करना या उन पर उनसे विमर्श करना। वहाँ पर और भी लोग आते थे, नरेश सक्सेना आते थे, विनोद दास आते थे, रविंद्र जी आते थे। मैंने शाम को हमेशा ऐसी बातें होती थी, और किसी विषय पर हम लोग बात छेड़ देते थे। और कई बार उनका फ़ोन आ जाता था ऑफिस में कि गौतम कारण जी आए हैं, तुम घर आ जाओ तो कुछ अच्छी बातें हो जाएंगी। एकदम इसी टोन में बोलते थे वो। कभी मैंने उनको उत्तेजना में, आवेग में बोलते नहीं देखा, सुना। काफ़ी रहा हूँ उनके साथ, बहुत इंटीमेट ढंग से भी रहा हूँ। तो कभी भी मैंने उनको, उनको खुद भी बोलते थे कि मुझे अनुत्तेजित वातावरण पसंद है, मैं अपनी बात को अनुत्तेजित ढंग से रखता पसंद करता हूँ, रखना पसंद करता हूँ। और उनके घर में भी, लखनऊ वाले घर में ऊपर एक पूरी लाइब्रेरी थी, उसी में वो हम लोग बैठते थे। और जब निकलते थे तो बोलते थे गौतम खाना खा के जाओ, तो अब संकोच होता था, लेकिन उसको भी वो ऐसे बोलते थे कि नहीं सादा खाना है। तो ये जो सादगी थी वो कहीं ना कहीं पर चित्त तक थी, ऐसा मुझे लगता है। तो जीवन में हम लोग शायद उम्मीद लोगों से यही करें कि अगर कोई प्रोफेसर है, कोई बड़े पद पर है, कोई साहित्यकार है, कोई कलाकार है, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है जीवन में, वो कवि है कि नहीं, ऋषि अर्थ में वो जीवन में कवि है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से कुंवर जी का परिवार इतना बड़ा है, व्यापक है, विराट और बृहत्तर है, कि उनके सारे सदस्यों के पास यही एक छवि होगी उनके बारे में कि वो पहले मनुष्य थे। भले वो कहते हैं कि अब की बार लौटा तो मनुष्यतर होकर, पूर्णतर होकर लौटूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मनुष्य थे, पहले ऋषि थे, ऋषि जीवन, ऋषि सा जीवन उन्होंने जीवा। और उसी में जो कुछ भी उन्हें दिखा, जैसे ऋषि को दिखता है, वो उसको उन्होंने लिखा। इसलिए उनकी कविता को पढ़ने के लिए बहुत माइंड नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पर माइंड और हृदय, हार्ट, दो चीज़ हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, और मेरी एक आत्मा है, फिर सेल्फ है, फिर सोल है, फिर स्पिरिट, इतने सारे शब्द हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पर हम सोच विचार करते हैं, जहाँ पर चिंताएँ हैं, जहाँ पर घृणा और प्रेम पाने की इच्छा है, असुरक्षा का भाव है, जहाँ भी सोच विचार है, एक परेशानी है, वो मन है। और जहाँ पर एक हृदय है, जो मन जैसे ही अमूर्त है लेकिन वो सेल्फ के करीब है, और वहाँ पर सिर्फ इमोशन ही नहीं है बल्कि वहाँ पर एक ऐसा स्टेट है जिसको हम प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं, जिस जहाँ पर थॉट
या मेडिटेटिव माइंड की ज़रूरत नहीं होती, मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ध्यान की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी वर्तमान अवस्था में रहना, ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनसे मैं जीवन में मिला हूँ, जो बिल्कुल शांत, सज्जन, सरल और सादे ढंग से मिलते रहे हैं। इनमें से बहुत कोई सिनेमा की ओर से, कभी साहित्य की ओर से, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में था 81 से लेकर 2013 तक लगातार, तो मुझे इंटरव्यू करने जाना पड़ता था। सुभाष मुखोपाध्याय हुए, धर्मवीर भारती हुए, सत्यजीत रे हुए, क्रिस्टोफ किसलोवस्की हुए, काफ़ी लोग, फिल्म समारोह में जाता था, कुंवर जी भी जाते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व मिलते थे जो जीवन में भी उसे जीते हैं जो वो अपने साहित्य में या अपने आर्ट एक्सप्रेशन में कहते हैं। तो कुंवर जी के इस व्यक्तित्व के निकट में आता चला गया, या कहा जाए कि एक अंतरंगता हो जाती है। जैसे कहीं हम ब्रिलियंस देखते हैं या कहीं हम आर्ट देखते हैं तो उधर अट्रैक्ट होते हैं ना, उधर हमारी हमारा रुझान बढ़ जाता है। तो कुंवर जी के साथ ऐसे ही होता चला गया कि लगा ही नहीं कि मैं कोई बाहर का व्यक्ति हूँ, या वहाँ जाने पर कोई व्यक्तित्व तो अपना नहीं रह जाता है, और वहाँ जाने पर जैसे किसी शांत नदी के पास जाके बैठने से नदी का ही हिस्सा हो जाना होता है। ऐसा कुंवर जी के साथ मेरा जो अनुभव रहा है, और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास अपने आप आ रहा है कि जो उनका जो मॉर्टल प्रेजेंस था, जो पार्थिव शरीर से संबंधित प्रेजेंस था, वो उसको तो उन्होंने जिया, और उसका जो उद्देश्य था, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, उसको मेरे मुझे लगता है कि उन्होंने उसको अचीव किया था। जो एक जिसको कि विजन पाना बोलते हैं, जहाँ पर देह से ऊपर जा के कुछ देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देह या इंद्रिय स्तर पर रहने पर वो सब नहीं दिखाई पड़ता जो वो अपनी कविता में कहते हैं, और उसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, माइंड नहीं लगाना पड़ता। वो बहुत आसानी से हम लोग कह जाते हैं कि जो हो जाता है वो करते हैं, और जो सह जाता है उसे हम सहते हैं, इस तरह की लाइन से कविता में ना, जो कई आलोचकों की सुक्ति परक लगती है, लेकिन एग्जैक्टली इस पर सोचने की बात आ जाती है। यहाँ से शुरुआत होती है, एक प्रस्थान बिंदु बनता है कि हमको लगता है हाँ सही बात है कि जब कोई चीज़ सह जाता है तब हम उसको कहते हैं कि ये तो मैंने सहा, यानी कि ईगो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अपना जो अहंकार, अपना जो व्यक्तित्व है। फिर जो हो जाता है उसे हम कहते हैं, पहले जब तक नहीं हुआ रहता है तो हमें लगता है कैसे होगा, और जब हो गया फिर इसे मैंने किया, जो हो जाता है उसे हम करते हैं। तो उनकी लाइंस, आप कोई भी लाइंस अगर पढ़ते जाइए कहीं से भी, उसको आपको याद करने के लिए बहुत माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये कोई दूसरा नहीं कि कविता पुस्तक से ही में ही ये लाइंस हैं। तो ऐसे ही जैसे बात कर रहे हैं वैसे भी बात करते थे, वैसे भी लिखते थे। उसका अपने आप एक काव्य सौष्ठव भी हो जाता था, ये नहीं सोचना पड़ता था कि इसको मैं कविता में कैसे कहूँगा, या पूरी कविता में एक पूरी हमने कविता जैसी कुछ लिखी और अंत में एक विचार दिया जो बहुत चमत्कार पैदा करने वाला, ऐसा इस दृष्टि से नहीं देख सकते हम कुंवर जी को। वो एक दूसरे ढंग से देखना पड़ता है, जैसे कि मैंने एक ढंग लिया बचपन से ही कि जो ऋषि है वही कवि है, इसके अलावा कोई कवि हो नहीं सकता। और उसके लिए मैंने, मेरे पास जब पहला एक पैरामीटर बना, जैसे एक मानक बना, वो था श्री अरविंदो की सावित्री। और सावित्री जो मैं पढ़ता हूँ या पढ़ता रहा हूँ, उसको उसकी ओर से देखने पर ये दिखता है कि 20वीं शताब्दी में उस जैसी कोई और कविता नहीं लिखी गई। हाँ, अगर उसके बाद कोई किसी कविता का नाम लेना ही पड़े तो फिर पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रीगेंड की बात आएगी 20वीं शताब्दी में। सावित्री के मानक के हिसाब से, जैसे मानक का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में एक आम धारणा बने, आम धारणा नहीं बन पाती। इसको ऐसे हम बोले कि जैसे बोलते हैं ना, मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ज़रूरत है, मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाए इससे मेरा हो जाएगा। सबकी ज़रूरत अलग अलग है तो कैसे डिफ़ाइन करें। लेकिन इसको भी डिफ़ाइन किया है, कबीर साहब ने डिफ़ाइन किया है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो एक पैरामीटर उन्होंने बनाया, ऐसे ही कविता और कवि के लिए भी हमारे यहाँ पैरामीटर बना हुआ है। लगभग उसी परंपरा से आते हुए मैंने भी सावित्री को अपना एक मानक जैसा बनाया, क्योंकि मुझे मेरी प्रिय कविता है वो, और उसमें वो सब मिलता है जो हम एक कविता से चाहते हैं, एक कविता का साथ होने से जो आनंद मिलता है।
तो उस दृष्टि से फिर देखने पर मिलता है कि पूरे विश्व में बहुत कम इस तरह की चीज़ें लिखी गई, विशेषकर भारत में, और उसके बाद भी हिंदी में। अपने युवा दिनों में मैं बहुत लोगों से कहता था कि हिंदी लिटरेचर, जो विदेशी हमारे मित्र हैं वो कहते थे हिंदी लिटरेचर में क्या पढ़े मॉडर्न राइटर्स में, तो मैं बोलता था कि आप सिर्फ दो तीन लेखक अगर आप पढ़ लेते हैं, तो जैसे कि निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, थोड़ा विनोद कुमार शुक्ल, तो आपको फिर उसके बाद किसी को नहीं भी पढ़ते हैं तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। इतना पढ़ना आपके लिए हिंदी मॉडर्न राइटर्स को पढ़ना हो जाता है, भले ही इसमें थोड़ा औधत्य की ध्वनि मिले मेरे बोलने में, लेकिन ऐसा हम कहते थे। लेकिन दूसरे किसी देश के किसी भी लेखक को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मिस करेंगे, चाहे वो चिनुआ अचेबे हों, चाहे बोर्हेस हों या रिल्के हों। इवन बोर्हेस को भी हमारे साथ के समय में सभी लोग बोर्खेस बोलते थे, तो कुंवर जी ने कहा था कि वो उसका उच्चारण बोर्हेस है। ये निर्मल जी, कुंवर जी, श्रीकांत वर्मा जी तीनों लोगों के संपर्क में रह के जो कुछ भी मेरे एक संस्कार बना हिंदी का, जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, ये बताते थे कि निर्मल जी बताते थे कि प्राग नहीं प्राहा। कुंवर जी ने एक पत्रिका दी थी तनाव शायद, उसमें पूरा बोर्हेस की कविताओं का उन्होंने पूरा अनुवाद किया, पूरा अंक ही उस पर था। तो ये हम बोलते हैं लोग बोर्खेस बोलते हैं, तो बोले नहीं ये बोर्हेस है। मैंने उनको दिखाया कि ज्ञानपीठ से उनकी कहानियों का एक छोटे आकार में एक अनुवाद का संग्रह छपा था, तो उसमें बोर्खेस लिखा था। तो तब मैं बहुत छोटा था, मैंने आज से 40 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं बोर्हेस इसका सही उच्चारण है। तो बड़ों से ऐसे हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, क्योंकि वो बताते थे कि ये अखबार जैसे होते थे, कोई स्पेलिंग हिंदी या इंग्लिश में करेक्शन करना होता तो हम लोग अखबार देखते थे। आज ठीक उल्टा हो गया, वो हमें भाषिक स्तर पर भ्रष्ट करें। तो बड़ों के साथ होना, सत्यजीत रे के साथ होना, क्रिस्टोफ किसलोवस्की के साथ होना, श्रीकांत वर्मा के साथ होना, कुंवर जी के साथ होना, वो सिर्फ कविता पढ़ने जैसा नहीं होता था, बल्कि वो अपने आप में भी बड़ा होने जैसा होता था। क्योंकि साहित्य में या कला में आदमी ओल्ड नहीं होता, वो मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने के दो ही रास्ते हैं, कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हो रहा है तब तक हम सत्संग करें। तो कुंवर जी के साथ का संग जो है मेरा, वो सत्संग हम कह सकते हैं। और जो शुरुआत हमने की दृष्टि से, दृष्टि ही एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कोई भेद नहीं होता कि कोई साहित्यकार है या फिल्म का क्रिटिक है, सिनेमा का आदमी है या साहित्य का आदमी है या नाटक का आदमी है, वहाँ दृष्टि में विभाजन नहीं होता है। तो ऐसे ही आकाश होता है वो। तो जब ये विषय आया सामने कि कुंवर नारायण की सिनेमाई दृष्टि, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है विश्व में और उनके साहित्य पक्ष पर बहुत लोग बोलेंगे तो सिनेमा वाले पक्ष पर भी बोला जाए, तो ऐसा नहीं था। वो दृष्टि वही है जो फिल्म को देखते हुए जो अनुभव करता है, वो उसको वो लिखते थे। और उन दिनों वो दिनमान पत्रिका में लिखते थे, हम सभी लोग पढ़ते थे, कि अगर नाटक पर कुछ लिखा हुआ आएगा अगले अंक में तो नेमी जी का लिखा आएगा, फिल्म पर आएगा तो कुंवर जी का लिखा हुआ आएगा। बाद में लखनऊ के घर में हम लोगों ने बात की कि क्यों ना आपके लिखे हुए का एक संकलन आए। बाद में वो लेखक का सिनेमा के नाम से देर से आला किया आया, तो वो सोचा वहीं पर गया था, बहुत पहले की बात है। ये भी मुझे लगता है कि 92 में हमने परामर्श, हम लोग आपस में बात किए थे घर में ही, तो कि क्यों ना इसका एक संकलन किया जाए। तो वो बाद में आया लेखक का सिनेमा के रूप में। फिर हम लोग साथ साथ फिल्म देखते थे, फिल्म समारोह में कलकत्ता हो या दिल्ली हो, सिरीफोर्ड ऑडिटोरियम हो। फिर ऐसा भी हुआ है कई बार उनके ग्रेटर कैलाश 2 वाले घर से हम लोग साथ साथ निकले हैं, सिरीफोर्ड आए हैं, बारिश हो रही है, निर्मल जी भी हैं, हम लोगों ने दीप बेंडर की एक फिल्म देखी, फिर बाहर आके उस पर बात करें। श्यामलाल जी भी थे उसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया के श्यामलाल जी, और मनोहर श्याम जोशी जी भी आ जाते थे, बातचीत होती थी जाड़े में धूप में। तो फिर कई बार ऐसा हुआ कि रात में कोई मैंने फिल्म समारोह जब होता है तो एक मुख्य ऑडिटोरियम के अलावा भी कुछ सिनेमा हॉल होते हैं, तो सिरीफोर्ड ऑडिटोरियम के अलावा आसपास कुछ और भी थे, जैसे इसमें शायद एक का नाम था अर्चना टॉकीज, तो उसमें 86 में आंद्रे तारकोवस्की का निधन हुआ था और उनकी फिल्मों का एक रेट्रोस्पेक्टिव खंड आया था, पुनरावलोकन खंड आया था। तो हम लोग उनकी फिल्म सैक्रिफाइस देखने गए अर्चना टॉकीज में, मैं था, कुंवर जी थे, हम लोग जब बालकनी में बैठे तो बालकनी में बिल्कुल जैसे ये मेरे पीछे दीवार दिख रही है, ये मैं बता दूं कि मैं अभी अपने घर से नहीं बोल पा रहा हूं, मैं अभी एक शूटिंग लोकेशन पर हूं और लोकेशन से घर मेरा बहुत दूर है, ये बनारस का ही एक विस्तार है थोड़ा अहरहरा की तरफ,
तो उसमें मैंने अभी बात हुई थी अर्पण जी से, मैंने कहा था कि मैं घर जाके बोल नहीं पाऊँगा, तो जहाँ पर हूँ उसमें बीच में ही एक पड़ाव लेते हुए इसमें मैं बोल दूँगा। इसलिए लाइट का भी शायद प्रॉब्लम होता होगा आपको या और चीज़ों का, बीच बीच में आपको आवाज़ें भी मिल रही हैं ट्रैफिक की या गाड़ियों की आवाज़, वो पास से गुजरती है। पहाड़ी इलाका है, इधर एक बहुत अच्छी झील है, पहाड़ है, तो उसके बीच में ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा है जहाँ मैं ये बोल रहा हूँ। तो ऐसी जैसे मेरे पीछे दीवार है, तो उस अर्चना टॉकीज के पीछे वाली रो में हम लोग बैठे थे, मैं और कुंवर जी, पीछे दीवार थी, हॉल पूरा खाली था, मेरे बालकनी, चार पांच लोग और बैठे थे और हमारे चार पांच रो आगे एक युवा कवि थे उन दिनों, देवी प्रसाद मिश्र। तो फिल्म शुरू हुई सैक्रिफाइस, और करीब 40 मिनट के बाद या 40 मिनट भी नहीं 30% फिल्म देखने के बाद जो थे वो भी चले गए, बाद में देवी जी भी चले गए, हम लोग दो लोग थे और अंत तक देखे। फिर बाद में इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, काफ़ी रात हो गई थी, रात का शो था। फिल्म समारोह में सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक फिल्में दिखाई जाती हैं, आप लोगों को अनुभव होगा इसका। तो हम लोग वहाँ से 1 बजे निकले, तो ग्रेटर कैलाश का घर पे गए, मैं तो कालका जी में उनको रखा गया था। तो बाद में इस पर बात हुई, फिर उन्होंने सैक्रिफाइस पर लिखा भी दिनमान में कि कैसे दुनिया को बचाए रखने की चिंता, यही शीर्षक था। ये भी बात है, ये 96 की बात तो नहीं है, ये बात है 89 की बात है। 89 में दिल्ली, उस समय एक साल दिल्ली में होता था और अगले साल वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता था दिल्ली में, जनवरी में, 10 से 20 जनवरी, और उसमें वो कॉम्पिटिटिव सेक्शन होता था, प्रतियोगी खंड। 87 में जो जूरी के जो मेन थे लिंडसे एंडरसन, जो फिल्म मेकर भी, फिल्म क्रिटिक भी, उन्होंने बोला था नो क्वालिटी फिल्म्स, और 89 से प्रतियोगी खंड को ख़त्म कर दिया गया था। एक साल दिल्ली में होता था प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव, और उसके बाद वाले साल भारत के किसी ऐसे शहर में होता था जहाँ पर फिल्म का उद्योग है, जैसे कोलकाता, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलोर या मुंबई। तो 89 में हम लोग ये तारकोवस्की वाली फिल्म देख रहे थे, तो सैक्रिफाइस। तो अब ये जो तारकोवस्की की फिल्म हम देख रहे थे सैक्रिफाइस, क्यों हम लोगों ने आखिर तक देखा और क्यों उसमें ऑडियंस पहले से कम थे, फिल्म समारोह में ऐसे लोग भी जाते हैं जिसमें उनको उनकी अपनी रुचि की चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादातर कमर्शियल एलिमेंट होता है, लेकिन सैक्रिफाइस के समय कम लोग थे, कभी होके भी वो हॉल में अंत तक नहीं रहे, सिर्फ हम दो रह गए। तो आखिर क्या तारकोवस्की की फिल्म की कमज़ोरी थी, या हम लोग की दृष्टि में कोई कमज़ोरी थी, या हम लोगों ने ये सोचा कि तारकोवस्की की फिल्म देख रहे हैं इसलिए अंत तक देखना चाहिए? ऐसा नहीं था। जो हमने कुंवर जी और ऐसे बड़े लोगों से सीखा है वो भी मैं स्पष्ट कर दूं कि सिनेमा दो तरह का होता है और दो तरह का ही होना चाहिए, क्योंकि दो तरह का ही हो सकता है। पहला वो है जो जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में रियलिटी रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी जो यथार्थ हमारे आसपास घट रहा है उसको कला रूप में कहना, एक ये तरीका है कि जो कुछ भी हमारे आसपास घटता है या घट चुका है, जैसे कि कोई नॉवेल है जो घट चुका है, उसके ऊपर उसको बेस करके उसी बात को फिर से कहना सिनेमा कला के माध्यम में। जैसे कि भागलपुर में कैदियों की आंखें फोड़ी गई थी, उसके ऊपर उसको कहानी को बेस करके अगर कोई फिल्म बनाते गंगाजल, तो ये हुआ कमर्शियल सिनेमा। तो हमारे देश भर में जो 100 साल का इतिहास है सिनेमा का, पहला प्रकार ये है जिसको हम लोग रियलिटी रिप्रोडक्शन कहते हैं, रियलिटी को फिर से कहना। एक दूसरी तरह का सिनेमा होता है, दूसरा और अंतिम, वो होता है कि सिनेमा माध्यम जो है उस माध्यम को कहते हैं सिनेमेटोग्राफी। तो सिनेमेटोग्राफी एक ऐसा मीडियम है, जैसे लेखक के पास कलम होती है या होता है, जैसे पेंटर के पास एक ब्रश होता है, वैसे फिल्म मेकर के पास सिनेमेटोग्राफी होती है। सिनेमेटोग्राफी पोइट का इंतज़ार करता है, अपने कवि का इंतज़ार करता है कि वो अपने आप को व्यक्त करे, अपने भीतर के दुनिया को दूसरों के साथ साझा करे। ये जो दूसरे प्रकार का सिनेमा है उसको पोएटिक सिनेमा कहते हैं, या सही अर्थ में क्लासिक सिनेमा कहते हैं। यानी दो ही तरह की फिल्में हो सकती हैं, कमर्शियल सिनेमा और क्लासिक सिनेमा, तीसरे प्रकार की कोई सिनेमा नहीं हो सकती है,
भाषा के अभाव में हमारे यहाँ फिल्म मेकर भी, सत्यजीत रे जैसे लोग भी और फिल्म क्रिटिक भी इसे कई नाम देते चले गए, कला सिनेमा, समानांतर सिनेमा, सार्थक सिनेमा, लेकिन ये इनका कोई मतलब नहीं बनता है। दो ही तरह की फिल्म हो ही सकती है, कमर्शियल और जिसमें रियलिटी का रिप्रोडक्शन होता है, यथार्थ की पुनर्प्रस्तुति होती है, और दूसरा क्लासिक सिनेमा जिसको हम काव्यात्मक सिनेमा कह सकते हैं, जैसे इंगमर बर्गमैन का सिनेमा, जैसे रॉबर्ट ब्रेसों का सिनेमा, जैसे आंद्रे तारकोवस्की का सिनेमा, जैसे क्रिस्टोफ कोस्लोवस्की का सिनेमा। इसके लिए एक ओरिएंटेशन चाहिए। ओरिएंटेशन नहीं होने के कारण उस दिन हॉल में बहुत कम लोग थे, हम लोग सिर्फ दो लोग थे, कुंवर जी और मैं। ओरिएंटेशन नहीं होने की वजह से लोगों को सावित्री भी समझ में नहीं आती। ओरिएंटेशन नहीं होने से लोगों को आत्मजयी भी समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ लगता है कि ये यम और नचिकेता के बीच जो संवाद है उसको ही कविता के रूप में कह दिया गया है या एक खंड काव्य जैसा हो गया है, या वाजसभा के बहाने को भी हम लोग इसे ऐसे ही देखते हैं कि चलो नचिकेता की ओर से देख लिया गया, अब वाजसभा की ओर से कवि ने कैसे देखा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा और गहरे उतरें तो एक ओरिएंटेशन जैसे सिनेमा का है उसमें एक दृष्टि चाहिए, और दृष्टि का मतलब यहाँ यह है, एक बार वो सत्यजीत रे की फिल्मों पर बात हो रही थी, कुंवर जी ने कहा कि सत्यजीत रे के सिनेमा में कोई भी शॉट वो कोई भी दृश्य, कोई भी शॉट व्यक्त होने के लिए वक्त लेती है। ये वाक्य कुंवर जी का वाक्य है कि कोई भी बात अगर आप उनके किसी शॉट को देखते हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे फ्रेम इमेज मिलके एक फ्रेम बनता है, बहुत सारे फ्रेम्स मिलके एक शॉट बनता है, बहुत सारे शॉट्स मिलकर के एक सीक्वेंस बनता है, बहुत सारे सीक्वेंस बनके एक फिल्म बनती है। तो वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने बहुत सहज रूप से बोला कि सत्यजीत रे के सिनेमा में जो शॉट होता है वो व्यक्त होने के लिए वक्त लेती है। जाहिर है आप कमर्शियल सिनेमा में देखिएगा कि वो व्यक्त होने के नाम पर लगातार एक के बाद एक शॉट्स चले जा रहे हैं। मैं आपके सामने कोई किताब लेकर के सामने से घूम जाऊं और बोलूं कि कितने फ़ोटो आपने देखे तो नहीं आप बता पाएंगे, क्या आपने देखा ही नहीं ना, वो रजिस्टर नहीं हुआ या वो एंडोर्स नहीं हुआ। जैसे आप रिम्पा शिवा का तबला सुनेंगे तो इतना स्पीड में है कि तालियां तो बजती हैं, लेकिन उसको हमारे नाट्यशास्त्र में मानुषी सिद्धि कहा गया है कि अगर कोई नाटक देख के, कोई भी आर्ट वर्क देख के ताली बजती है तो वो मानुषी सिद्धि है, और अगर किसी आर्ट वर्क को देख के, किसी कविता को पढ़ के, किसी फिल्म या ड्रामा को देख के आप लंबे समय तक खामोश रह जाएं, जो साइलेंस क्रिएट होता है वो दैवी सिद्धि है। ये नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने क्लियर कर दिया है। तो रिम्पा शिवा का तबला आप देखेंगे तो आपके भीतर से ताली आ जाएगी, इतनी स्पीड में लड़की बजा रही है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया कि उठान कहाँ था, परन कहाँ था, हाँ तिहाई कहाँ पर आया, या कैसे उसमें धीरे धीरे विस्तार हुआ। लेकिन आप किशन महाराज जी का या सामता प्रसाद जी का या किसी भी जाकिर हुसैन का या लरका खान साहब का या किसी का भी तबला आप सुनेंगे, कुमार बोस का, तो आप देखेंगे कि पहले उठान हुआ, फिर पेशकार हुआ, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है ना। तो ये जो उन्होंने कहा कि सत्यजीत रे के सिनेमा में कोई भी शॉट अपने आप को व्यक्त करने के लिए वक्त लेती है, इसका मतलब है कि वो एक ऐसे टाइम में आपको ले जा रही है जो उनका होराइजन है, जो हमारा टाइम नहीं है। एक टाइम तो वो है जो जैसे आपके और मेरे बीच में जो इंटरवल है, दूरी है, स्पेस है, वही टाइम है। एक भाषा सीखने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए एक वक्त लगता है, टाइम लगता है, फिजिकल टाइम हुआ। और एक तो ये हुआ कि मैं किसी पेड़ को देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, और मुझे देखते हुए आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो वो फिर वहाँ स्पेस नहीं हुआ, वहाँ टाइम नहीं हुआ, क्योंकि स्पेस ही टाइम है। जो आकाश है वही तो काल है ना, देश काल बोलते हैं हमारे यहाँ। तो हम अगर पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ और मेरे बीच में दूरी है, तो जो इंटरवल है, जो स्पेस है, वो टाइम है फिजिकली। लेकिन पेड़ के बारे में हम बहुत सारी कुछ जानते हैं कि ये नारियल का पेड़ है, इसके पेड़ में ये फ़ायदे होते हैं, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, पीछे सनसेट भी हो रहा है, कितना खूबसूरत हो रहा है, ये जो कुछ भी कह रहे हैं, तो मेंटल स्पेस नहीं है, है ना। तो उसी तरह से जब हम कमर्शियल सिनेमा देखते हैं तो वह मेंटल स्पेस के लिए कोई जगह नहीं होती है। लेकिन ये जो आप मुझे देख रहे हैं, मेरे और आपके बीच में जो फिलहाल एक वर्चुअल दूरी है, इसके अलावा भी एक स्पेस है आपके माइंड में, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें
चल रही होंगी, आप निर्णय ले रहे होंगे, कुछ बातें अच्छी लग रही होंगी, कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, ये जो थॉट प्रोसेस माइंड में चल रहा है वहाँ कोई स्पेस नहीं है। लेकिन जब हम सत्यजीत रे का सिनेमा देख रहे हैं, कुंवर जी जैसा कि हमें बता रहे हैं, देखना सिखा रहे हैं कि उनकी कोई एक शॉट देखा, अब वो टाइम खास अपना देश काल बना रही हैं और हमारे भीतर जो शोर है विचारों का उसको स्थगित कर रही हैं, पोस्टपोन कर रही हैं और हमारे मन में एक खास स्पेस तैयार हो रहा है। वो जो व्यक्त होने के लिए वक्त ले रही हैं, बोल रहे हैं, वो वक्त हमारे भीतर भी तैयार हो रहा है, एक दूसरा देशकाल तैयार हो रहा है, हम एक दूसरे होराइजन में चले जा रहे हैं, हम एक दूसरे जगह पे चले जा रहे हैं, इसको हम फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में ऑर्डर बोलते हैं, हाँ, हम एक डिफरेंट जोन में चले जा रहे हैं, जो कि तारकोवस्की की शब्दावली है, डिफरेंट जोन। इसके लिए उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, आपने शायद देखी होगी, आप देखिए, बहुत अच्छी लगी, स्टॉकर। स्टॉकर में एक स्टॉकर है जो एक लोगों को ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, उस जगह पर, उसको वो जोन कहता है। तो तारकोवस्की ने एक जोन दिया था, ZONE। तो सतीत रे की फिल्म हम जब देख रहे हैं, पौथेर पांचाली या कोई भी फिल्म, कोई एक शॉट देख रहे हैं, तो वो हमें एक डिफरेंट जोन में ले जा रही है, एक दूसरे देशकाल में ले जा रही है। क्यों ले जा रही है? क्योंकि कला का दायित्व यही है। अगर आप निर्मल जी के लेख पढ़ेंगे, कला का दायित्व या कला का जोखिम किताब में जो है, वो यही है कि हमें हमारे भीतर एक दूसरे तरह का स्पेस तैयार करता है। लोग जिसको बोलते हैं एक दूसरी दुनिया में ले जाना, वो दुनिया शायद नहीं है, वो हैरी पॉटर ले जाते हैं हमको दूसरी दुनिया में, प्लेटफॉर्म नंबर 10:30 या जहाँ से एक दूसरी दुनिया शुरू होती है, या एलिस इन वंडरलैंड, वो एक दूसरी दुनिया शुरू होती है। लेकिन ये दुनिया और उस दुनिया में फ़र्क है। हैरी पॉटर और एलिस की दुनिया और सत्यजीत रे, तारकोवस्की और किसी या किसलौस्की की दुनिया में एक फ़र्क है। ये इसे देखना, ये जिस जो सिखा रहा है वो एक कवि है जिसका नाम कुंवर नारायण है, कि हमको देखना भी सिखाना। तो उनके रिव्यूज़ को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता था कि फिल्म की कथा ये थी, संवाद ये थे और फिल्म का प्रभाव ये था, उसमें ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, कुल मिला के नाटक बहुत अच्छा था, कुल मिला के फिल्म अच्छी थी, इस प्रकार की भाषा नहीं है। वो अपने लिए भाषा की भी रचना कर लेती है। पायनियर में आखिरी दिनों में विष्णु खरे जी भी रिव्यूज़ लिखते थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो मेटेरियल मिलता है हम लोगों को, जिसमें पूरी सिनॉप्सिस लिखी होती फिल्म वगैरह की, ज़्यादातर वो सिनॉप्सिस भरे होते थे। विजन जब भी होगा किसी के पास, दृष्टि जब भी होगी, तो अपने लिए फॉर्म भी लेके आएगा। ज़्यादातर साहित्यकार, विशेषकर हिंदी के साहित्यकार, बोलते हैं कि भाषा से रचना होती है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो नहीं है यहाँ पर, ये कि दृष्टि अपने लिए, जिसको कि आइडिया कह सकते हैं हम लोग, कि आइडिया अपने साथ एक फॉर्म भी लेके आती है, कला रूप भी लेके आती है। जैसे कि अरविंदो की जो सावित्री है, वो सावित्री नहीं है जो महाभारत में है, या वो सावित्री नहीं है जो पहले लोक कथाओं में है, महाभारत से ही पहले, जिसके बारे में रोमिला थापर पूरी एक किताब लिखती हैं इसके बारे में, सावित्री के बारे में। तो ये वो सावित्री है जो अरविंदो देते हैं, वो इसे कहते हैं एक सिंबल है, सावित्री एक सिंबल है। यानी हमारे भीतर, जैसे मैं अभी मन और हृदय की बात कर रहा था, सेल्फ, सोल, हार्ट, माइंड, बहुत सारी जो बातें कर रहे हैं, उसमें सिर्फ दो शब्द लिए थे, मन जहाँ पर विचार है और हृदय जहाँ पर कल्पना है, जहाँ पर सिंबल की बात आती है। तो ये वो साहित्यिक सिंबल नहीं है जो विलियम ब्लेक का सिंबल है, जॉन कीट्स का है, या रिल्के या बोरहेस का है। ये वो सिंबल ले रहे हैं श्री अरविंदो सावित्री में। हमारे भीतर एक ऐसी फैकल्टी भी है जो अमूर्त तो है, लेकिन जो इटर्नल है, इमॉर्टल है, जो अपार्थिव है, जो नहीं मरता है। और उस बात को कहने के लिए जो वो सिंबल ले रहे हैं, वो सावित्री का ले रहे हैं। हम सावित्री की कहानी जानते हैं कि जो सत्यवान को अमर करती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, सत्यवान जो है या सावित्री के जो पिता जो हैं, वो एक मनुष्य की पूरी पीढ़ी, रेस, ह्यूमन रेस को सिंबलाइज कर रही है। और उसके बाद ये सावित्री जो है वो हमारे भीतर का एक एलिमेंट है जो अमर है, उसको हम अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से वो जो सावित्री लिख रहे हैं, वो कहानी पीछे छूट जा रही है जो महाभारत में है। इसी तरह से नचिकेता और यम के संवाद के आधार पर भले ही वो आत्मजयी लिख रहे हैं कुंवर जी, लेकिन वो नहीं है जो कठोपनिषद में, क्योंकि फिर तो कठोपनिषद ही लिख लें। जैसे तारकोवस्की कहते हैं कि हम बर्गमैन से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हम बर्गमैन जैसी फिल्म एक और बनाएं तो हम क्यों फिल्म बनाएं, फिर फिल्म न बनाएं,
या बर्मैन बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो फिल्म मत बनाइए, आपको फिल्म नहीं बनानी चाहिए। तो दरअसल आइडिया इसी को कह रहे हैं जो श्री अरविंदो के पास था, इसके आधार पर उन्हें सावित्री लिखी। ठीक इसी प्रकार से एक आइडिया या दृष्टि जिसको मौलिक दृष्टि कह रहे हैं, वो मौलिक दृष्टि कुंवर जी के पास थी, जिसके लिए उन्होंने आत्मजयी लिखा हिंदी साहित्य की दुनिया में। लेकिन वहाँ पर सिर्फ नचिकेता और यम कठोपनिषद के दो चरित्र की तरह नहीं है, वहाँ पर एक भारतीय दृष्टि भी है, जिसके लिए मैंने पहले ही बोला कि एक ओरिएंटेशन भी चाहिए हमारे यहाँ। इसीलिए एक एंथोलॉजिकल अप्रोच भी हमारे साहित्य को पढ़ने के लिए चाहिए कि कितनी चीज़ों को न पढ़ें और सिर्फ क्या क्या पढ़ें। एक पढ़ना ही अनेक को पढ़ना हो सकता है ना। तो जैसे हमारे यहाँ ये कहा गया है कि हम लोग के मन में जब कोई सवाल आता है, हमारे भीतर से कोई सवाल आता है, उसका उत्तर हम बाहर ढूंढने लगते हैं, नहीं मिलता है, या कोई उत्तर देता भी है तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो उत्तर हम तभी संतुष्ट कर सकते हैं जब उत्तर भी हमारे भीतर से आए। जैसे मैं, हमारे जैसे बहुत सारे युवक अपने युवा दिनों में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछते थे कि क्या प्रेम है, क्या ईश्वर है, क्या दुख से ऊपर उठा सकता है, क्या मृत्यु से ऊपर उठा सकता है, क्या न्याय है। मैं कई लोगों से, जिससे भी मुलाकात होती थी, मैं पूछता, कारण जी से मुलाकात हो गई, मृणाल सेन से बात हो रही तो पूछने लगे, किसलोवस्की से बात हुई तो पूछने लगे कि क्या न्याय होता है, सब बोलते थे हाँ होता है। फिर मैं एक तर्क रखता था कि अब बताइए कि मान लीजिए कि ये मेरा अंगूठा है, किसी ने काट लिया और जिसने काटा उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, जिसका जिसका कोई अंत नहीं है, और मुझे वो सब भरपाई में दिया जाए क्षतिपूर्ति के रूप में, 200 साल तुम जी सकते हो, सारे सुख संसार के भोग सकते हो, जो कि नचिकेता को भी हमने कहा था बताने से पहले, इस उत्तर को देने से पहले कि क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। तो अगर वो सब मुझे दे दिया जाएगा तो, लेकिन मेरा अंगूठा तो मुझे नहीं मिलेगा, तो इस अर्थ में तो मुझे न्याय नहीं मिला। ये बात जब मैं किसी से बोलता था, वो बोलता था हाँ न्याय नहीं होता। यानी मैं जब इस प्रश्न को उठाता था क्या न्याय होता है, तो मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता था, और फिर मुझे उत्तर मिला मेरे ही भीतर से आया कि न्याय होता है या नहीं होता है, तब मैं संतुष्ट हो पाया। तो यानी अगर प्रश्न भीतर आया हुआ हो और उत्तर भी अगर भीतर से हम दे रहे हैं, अगर मिलता है, तो ही हम तृप्त हो सकते हैं। तो उत्तर इस कहानी के रूप में मेरे ही तर्क के अनुसार आया कि अगर वो था ना, द्रोणाचार्य ने एक क्लब का अंगूठा काट लिया था, और हम लोग द्रोणाचार्य को बहुत नेगेटिव ढंग से देखते हैं। इसी पर एक और द्रोणाचार्य नाटक भी लिखा गया शंकर शेष का, क्योंकि समझा नहीं गया है द्रोणाचार्य की बात को। तो एकलव्य जब अपने जो जिस कबीले का था वो राजा बना, तो उसका एक दोस्त था जो महामंत्री भी था, वो देखता था कि एकलव्य हमेशा उदास रहते हैं। तो उसको लगता था क्यों उदास रहते हैं हमारे राजा, राजकोष भरा हुआ है, प्रजा खुशहाल है, किसी राज्य राजा का आक्रमण नहीं होता है, सब कुछ है। तो एक दिन बोला कि आप मुझे मित्र कहते हैं तो बताइए कि आप क्यों उदास रहते हैं। तो बोला कि देखो, आपके पास सब कुछ है, राजकोष भरा हुआ है, आपके अन्न और सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। तो बोलता है कि देखो सब कुछ तो, लेकिन मेरे पास अंगूठा नहीं है। तो महामंत्री के मुंह से निकला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को ये बात बुरी लगी, कि राजा भी थे, उसका भी एक ईगो होता है। उन्होंने महामंत्री को राजा से निकाल दिया। फिर राजा के जीवन शैली में होता है कि शिकार खेलने चला जाए, शाम को शिकार में उनका घोड़ा जो है लताओं में उलझ गया, वो पैदल चले गए, फिर कुछ कबीले के लोग आके उसको उठा ले गए और एक कबीले के सरदार के सामने पेश किया, जिस आगे की कहानी आप जानते होंगे कि एक देवी की बहुत बड़ी मूर्ति रखी थी और वहाँ डांस हो रहा था और आग अलाव जल रहे थे, आग के मशाल, और उसमें एक बलि वेदी बनी हुई थी, एक पंडित खड़ा था, उसका कबीले का सरदार था, इसको ले जाया गया और बलि वेदी के पास रखा गया। तो बलि देने की समझ गया कि आज जीवन जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। तब तक पंडित ने कहा कि पहले चेक कर लो कि कहीं अंग भंग तो नहीं है, अगर अंग भंग होगा तो हमारी देवी नाराज़ हो जाएंगी, फिर हम सब पर विपत्ति आ जाएगी। तो चेक किया गया तो अंगूठा नहीं था, तो अंग भंग से वो बोला कि इसको जंगल के बाहर फेंक के आओ, दूसरा साबुत आदमी लेके आओ, राजा उसका जो कबीले का सरदार बोला। अब इनको जहाँ बाहर फेंका गया, वो राजमहल के बाहर का इलाका था, ये अपने कमरे में बहुत डरते हुए हाँफते हुए पहुँचे राजा एकलव्य, और इंतज़ार करने लगे सुबह हो, जल्दी से वो अपने मित्र को बुलाए कि जान बच गई। ऐसा सोचा ही नहीं था कि गुरु इतनी दूर तक का सोचता है कि आज उसी अंगूठे के न होने कारण, यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बुलाया और बोला कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही निकली, मेरे साथ तो कोई अन्याय नहीं हुआ था, आज अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी जान नहीं बचती, यहाँ तक गुरु सोचते हैं। तो
बोला कि तुमने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अब ये बताओ कि मैंने तुमको राज्य से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो महामंत्री ने बोला कि अगर आप मुझे नहीं निकाले होते तो कल रात मैं ही तो आपके साथ होता महामंत्री के रूप में। तो ये उत्तर इस तरह से मिला कि हमारे यहाँ अन्याय या न्याय को लेकर मैं जिस लॉजिक से तृप्त होना चाहता था, यानी प्रश्न जहाँ से आता है उत्तर वहीं से आता है, तब हम संतुष्ट होते हैं। ये जो प्रश्न जहाँ से आता है उसको हमारे यहाँ क्वेश्चनिंग माइंड कहा है हमारे महापुरुषों ने, और जो उत्तर आता है जहाँ से उसको आंसरिंग माइंड कहा गया है। तो इसको हमारे संस्कृत में कहा गया संशयात्मिका शक्ति। एक हमारे यहाँ जो शिव है, शिव ज्ञान देने के लिए इस पृथ्वी पर थोड़ा नीचे उतरते हैं, इसका लेवल है सदाशिव। सदाशिव में आके वो शिव और शक्ति दो भागों में बढ़ जाते हैं, ऐसा हमारे तंत्रागम में है। तो वहाँ पर शक्ति सवाल पूछती है और शिव उत्तर देते हैं, तो शैवागम है। शिव प्रश्न करते हैं और शक्ति उत्तर देती है, तो शाक्तागम है। ऐसे होता जरा 28 शैवागम है। तो वो जो शिव और शक्ति भी संवाद होता है, तो शक्ति अपने आप को दो रूपों में रखती है। एक तो ये है कि संशयात्मिका शक्ति जो प्रश्न कर रही है, जैसे मेरे अंदर से सवाल आया, और फिर हमारे भीतर एक और शक्ति है उसका सेकंड पार्ट निश्चयात्मिका शक्ति, जो निश्चय करती है, जो उत्तर देती है। तो हमारे भीतर से जब प्रश्न आता है, जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं जिस पर साइंटिस्ट और बुद्धिस्ट आज से डिस्कस कर रहे हैं, प्रकृति के रहस्य को लेकर, प्रॉब्लम्स ऑफ सफरिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ डेथ, प्रॉब्लम्स ऑफ लव, प्रॉब्लम्स ऑफ बहुत सारे, जिस पर रविंद्रनाथ से लेकर सारे लोगों ने बातचीत किया है, पूरे विश्व में 3,000 साल से इस पर डिस्कोर्सेस चल रहे हैं। तो प्रश्न अगर भीतर से आता है तो उत्तर भी हमारे भीतर से आता है। ये हमारी भारतीय दृष्टि है, ऋषि दृष्टि। तो ये जो इसी को बताने के लिए हमारे यहाँ सारे ग्रंथ डायलॉजिकल फॉर्म्स में लिखे गए हैं। अगर अर्जुन हमारे यहाँ भीतर का क्वेश्चनिंग माइंड है, निश्चय संशयात्मिका शक्ति, तो कृष्ण जो है हमारे यहाँ निश्चयात्मिका शक्ति, या जिसको कहा जाए आंसरिंग माइंड है। ऐसे ही हमारे यहाँ आप देखिएगा सब कुछ डायलॉजिकल फॉर्म में है। नाट्यशास्त्र में भी आत्रेय जो है वो क्वेश्चनिंग माइंड है, और जो आंसरिंग माइंड है वो भरत मुनि है ना। तो जितने भी ग्रंथ आप देखें, कोई प्रश्न कर रहा है, कोई उत्तर दे रहा है। ये लिखने वाले ने यानी कवि ने, जिन्होंने महाभारत लिखा, रामायण लिखा, आप देखिएगा उसमें डायलॉजिकल फॉर्म में बात हो रही है। तो जिस कवि ने कठोपनिषद लिखा उसमें भी उन्होंने इसी दृष्टि का प्रयोग किया कि नचिकेता जो है वो हमारा क्वेश्चनिंग माइंड है, और यम जो है वो हमारा आंसरिंग माइंड है। क्योंकि कहानी के रूप में कहने से लोगों को समझ में आएगी, इसलिए उसके भीतर के चीज़ को नहीं बताया गया, जो बाद में हम लोगों को अध्यात्म के भीतर से, वेद से या पंडित गोपीनाथ कविराज जी से हमें मिलता है ये बात। और उसी जगह से कुंवर जी आत्मजय लिखते हैं। आप में से कई लोगों को लगा होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, ना साहित्य का शिक्षक हूँ। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि क्या पढ़ना ज़रूरी है एंथोलॉजिकली, क्या ना पढ़ते हुए। जैसे अगर आप रविंद्रनाथ के बाद मानिक बंदोपाध्याय को नहीं पढ़ेंगे तो आप मिस करेंगे, वैसे अगर आप निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण नहीं पढ़ेंगे तो हम मिस करेंगे, कि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहीं से भी विश्व साहित्य, विश्व सिनेमा की छाया नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं से गए और हमें पता भी नहीं चला, हमारे सबकॉन्शियस में इफेक्ट कर गया। जैसे ऑर्सन वेल्स की फिल्म, बहुत मशहूर फिल्म है सिटीजन केन, उसमें अगर आपने देखी हो तो उसमें ये बात आती है कि एक आदमी गुजर गया है, उस आदमी को जानने के लिए वो उस आदमी से जुड़े लोगों से मिलता है। तो एक आदमी उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताता है, जैसे कुंवर जी के बारे में, ये इससे पहले जो पाँच कड़ी हुई, पाँच लोगों ने बताया होगा, तो पाँच आस्पेक्ट्स आए होंगे कुंवर जी के पर्सनैलिटी के। वैसे ही जो व्यक्ति उसमें कैरेक्टर गुजर गया है ऑर्सन वेल्स की सिटीजन केन में, तो उसके बारे में वो इकट्ठा करता है, उनके मित्रों से मिलता है कि वो कैसे थे। तो 7 लोग 7 तरह से बताते हैं, 11 लोग 11 तरह से बताते हैं। उसका जो एक कोलाज बनता है, जो सिनेमा की भाषा में मोन्टाज है, तो उससे वो एक व्यक्तित्व का एक पूरी छवि बनती है। इसी आइडिया पर महाश्वेता देवी ने 1084 की माँ लिखी। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग जब फिल्म समारोह में फिल्म देखते हैं, उसकी एक छाया भी हमारे भीतर पड़ती है, हम उससे अनुप्रेरित भी होते हैं, हम उससे प्रतिकृत भी होते हैं। कुंवर जी इतने दिनों से फिल्म देखते रहे हैं, उनकी किसी कहानी कविता में कोई छाया मुझे नहीं देखी। हम तो ये देखते हैं कि कविता कहानी में हम आइडियाज़ ही नहीं, पूरा फॉर्मेट का फॉर्मेट ही ले लेना पसंद करते हैं। अगर बोर्हेस का कोई फॉर्मेट है कि आधी बात जीवन में घट रही, आधी बात स्वप्न में, तो हम चरित्र को जानबूझ के सुलाते हैं, जबकि ऐसी परिस्थिति है कि वो सो ही नहीं सकता, वह मृत्यु भय है, फिर भी उसको हम जानबूझ के सुलाते हैं
ताकि वो सपने वाली चीज़ आए। तो आधी बात हम सपने में दिखाए, आधी बात जीवन में, तो यानी पूरा फॉर्मेट ही बोरहेस कर ही रहते हैं, है ना, भारतीय हिंदी हिंदी में विशेषकर दिखता है ये। तो ये चीज़ कुंवर जी में क्यों नहीं दिखता है? कुंवर जी की कोई कहानी हम अगर पढ़ने जाएँ, जैसे पता नहीं शायद आकरों के आसपास है, किसमें है कि एक वो रेलवे का पुल है, फाटक जो बंद हो गया है और सब लोग वेट कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ा आदमी है जो अपनी गाड़ी को कैसे भी ले जाना चाहता है। फिर बाद में क्या परिणति होती है वो आप कहानी पढ़े भी होंगे, ये तो आप पढ़ लीजिए। इसमें किसी विश्व साहित्य की, विश्व सिनेमा की कहीं से कोई छाया नहीं दिखती है। यहाँ तक कि हमारे जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, या जो हमारा आलोकवर्षी इतिहास है, जहाँ उपनिषदों की कहानियाँ, जातक कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, इतनी कहानियों के बाद भी एक नैरेटिव कुंवर जी वहाँ डेवलप करते हैं कि लगता है बिल्कुल हाँ ऐसा होता तो है, लेकिन ऐसा इसके पहले नहीं देखा गया है। या एक और कहानी में, अभी मुझे तो सब याद नहीं है, एक 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 व्यक्ति, बड़ी उम्र का आदमी, किसी बच्चे से खिलौने खरीदता है, या खिलौने खरीदता नहीं है, वो खिलौने बेचता है, वो उसकी पूरी सारे खिलौने ले लेता है, खिलौने या गुड़िया, फिर वो उसको लेकर भी अपने घर तक आता है। ये अगर आपने पढ़ी हो, ये इसके पहले, मतलब मैं तो पाठक हूँ, मतलब जहाँ भी कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है वो मैं देखने या पढ़ने जाता हूँ, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे ड्रामा हो। लेकिन जब मैं इन कहानियों को पढ़ा हूँ तो मुझे इसमें नहीं दिखा, जबकि और किसी का भी, स्पेशली हिंदी में जब मैं ही पढ़ने जा, कोई मुझे कहानी सुनाने जाता है कि इनकी एक कहानी देखी कितनी अच्छी है, मुझे लगता है ये तो वहाँ पर, वो मैंने पहले पढ़ी थी मोपासा में, उसमें यह है। फिर कोई कहानी, अरे ये तो बालजाक में है, अरे ये तो वहाँ पर है, टॉलस्टॉय में या चेखो में है। तो ऐसा कुंवर जी की कहानी पढ़ते हुए मुझे एक पाठक के तौर पर कहीं महसूस नहीं हुआ। उनकी, जो मैंने पहले ही बोला कि दृष्टि जब भी होगी तो मौलिक होगी, और ये ऋषि जीवन से आता है। ऋषि दृष्टि का होना ही कविता में होना है, कविता की ऊंचाई पर होना है। कविता की ऊंचाई से देखना भी कुंवर जी की लाइन है, शायद मैं उन्हीं की भाषाएं बोल रहा हूँ। ये इसलिए मैंने पहले ही बोला ना कि मैं कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे भीतर से कुंवर जी ही बोले, मैं कुंवर जी की बांसुरी बन जाऊँ कि वो फूंक भरे और आप तक पहुँचे और आप कहें कि गौतम बोल रहा है। ऐसा अगर हो सके तो कितना अच्छा हो, तो या मैं भी उनको सुन सकूं। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब कोई पुकारता है हमारे भीतर, जो पार्थिव रूप से नहीं है अब, तो उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। वो किसी और की आवाज़, दूसरे गले का टिम्बर हमारे पास नहीं आता है, वो मेरे पिता की ही आवाज़ का टिम्बर होता है, वो कहाँ से आती है? तो मेरे ख्याल से जो अनहद नाद, जो कि अमूर्त एक ध्वनि है, जो ऑडिबल नहीं है लेकिन ओरल है, तो उस ओरल साउंड के ही ये सब व्युत्पत्तियाँ होंगी, या और फिर प्रतिश्रुतियाँ होंगी जिससे हम महसूस करते हैं और उसको हम लोग साझा करते हैं। तो और इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है मौन, जो कुंवर जी में इसका विस्तार होता रहता था। शायद इसीलिए वो उत्तेजित परिवेश में अपनी बात को उत्तेजित ढंग से रखना पसंद नहीं करते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही हम लोग त्रिलोचन जी को सुन रहे थे, शाम ढल रहा था और सूर्यास्त का जो सनसेट की जो लाइट है वो त्रिलोचन जी पे पड़ रही थी। तब तक हम लोग क्लासरूम जैसा ही था, पीछे से कुंवर जी आए और वो आगे जाकर के साइड में बैठे। जब वो क्रॉस कर रहे थे तो वो शेडो जो था एक सिल्यूट जैसा बना, और एक गोल्डन, जो जिसको कि सिनेमा में मैजिक मोमेंट कहते हैं, सनसेट की रोशनी को, उस पूरे मैजिक मोमेंट में वो दोनों कवि थे। उस वक्त मन तो किया कि एक खास ये, काश ये तस्वीर हो पाती त्रिलोचन जी और कुंवर जी एक ही लाइट बीम में, है ना, वो चीज़ अगर उसको हम लोग कैप्चर कर पाते उस समय तो बहुत अच्छा होता। लखनऊ के, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में ही था वो, उन्होंने, कुंवर जी ने ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार किया त्रिलोचन जी को, त्रिलोचन जी भी बोलते हुए नमस्कार किए, फिर त्रिलोचन जी ने अपनी बात जारी रखी। और वो अपनी बातों को हमेशा, आप जानती हैं त्रिलोचन जी संस्मरणों में कह रहे थे, आप कोई प्रश्न करेंगे तो वो उसके बारे में कोई वाक्य सुनाएंगे, उसमें से आपको उत्तर ढूंढ लेना होगा। जैसे अभिनव गुप्त को पढ़ते हुए हम लोग एक ही जगह पर सब कुछ नहीं पा सकते, उनका जो बिखरा हुआ, जो उनका पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें से कोई बात कहीं मिलती है, कोई बात कहीं मिलती है। उससे त्रिलोचन जी के भी साथ ही, कुंवर जी के साथ ऐसा नहीं है। कुंवर जी बहुत ही, मुझे लगता है प्रेसाइज थे, इसीलिए मेरे मुँह से ये सेंटेंस निकला कि जो हो जाता है उससे हम करते हैं और जो सह जाता है उससे हम सहते हैं। ये इतना प्रिसाइज है, इतना लाइफ से लिया हुआ है कि कविता के रूप में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी कोई कविता, इन दिनों कविता संग्रह, पहली कविता में है कि हम
बहुत बचपन में अच्छा लगता था, जवानी में भी, कि आग के पास जाएंगे, आग से खेलेंगे, रोटी और तमाम चीज़ें। लेकिन अब जब आग कह रही कि मेरे पास है तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसे इसी तरह की कविता में, मैंने काव्य भाषा में उनकी पहली कविता शायद यही थी, 2003 के आसपास छपी थी। अब शक्ति चट्टोपाध्याय की भी कविता इसी ढंग की है कि मैंने पत्नी को बच्चा दे दिया, इसको मैंने ये दे दिया, उसको वो दे दिया, अब वो मुझे बुला रही है आग मृत्यु, लेकिन मैं क्यों जाऊँ। तो अवनी बाड़िया छो, उसी के कॉरोलरी पार्ट में ये है शक्ति चट्टोपाध्याय की कविता में। शक्तिदा भी बनारस को आते थे अमिताभ दासगुप्तों के साथ, और हम लोग काफ़ी देर तक बात करते थे। तो ये जो जितने भी कवि हुए उस उम्र के, उस दैहिक उम्र के, तो किसी में किसी का कोई शेड नहीं मिलता, सब अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, अपने आप में बिल्कुल मौलिक। उस दौर में शायद ये बात थी, या हम लोग जो उनके पाठक हुए हैं, उनको पढ़ के बड़े हुए हैं, तो ये कैसे हुआ, इसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे बहुत अच्छे दिन थे जब हम लोगों ने अच्छा संग किया और अच्छे कवियों को, अच्छे फिल्म मेकर को, अच्छे फिल्म क्रिटिक्स को सुना। जैसे कि मेरी अपनी ये धारणा बनी है, धारणा के बारे में लोग कहते हैं कि अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन बनी है तो क्या कर सकते हैं। हिंदी में सिनेमा के बारे में जितना अच्छा निर्मल जी और कुंवर जी ने लिखा है, मैंने अभी तक एक भी रिव्यू वैसा नहीं पढ़ा है, उस स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ा। इससे मेरे पास ये एक मानक बना कि फिल्म की समीक्षा भी, नाटक की समीक्षा भी यदि कवि करें, निर्मल जी को मैं कवि कहता हूँ क्योंकि वो तो बाद में है, हमारे यहाँ पहले काव्य शास्त्र हुआ, फिर अलंकार शास्त्र हुआ, फिर साहित्य हुआ। तो निर्मल जी और कुंवर जी जब सिनेमा पर लिख रहे हैं तो वो बेस्ट हो रहा है हिंदी में। मैं उतना अच्छा रिव्यू आज तक कहीं नहीं पढ़ा हूँ। मैं वाची होके बोल रहा हूँ आत्मनिपद में कि अब जैसे एलन रॉब ग्रीय, मैंने नाम नहीं सुना था, निर्मल जी ने बताया कि वो शब्द स्मृति में ही उन्होंने एक बोर्हेस पर भी लिखा है और सिनेमा पर भी कुछ लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा है। तो वो जब वो चिकलवाकिया में थे और वहाँ पर जो फिल्में देखते थे उस पर जब लिखते थे, तो वो जो लिख रहे हैं, एक कवि जब लिख रहा है फिल्म पर, इतना अच्छा लिख रहा है। और हिंदी का जो फिल्म समीक्षक जो घोषित तौर पर किसी अखबार में, मैं खुद रहा हूँ अखबारों में, पहले इलस्ट्रेटेड वीकली में था 81 से 87, फिर मैं स्वतंत्र भारत में हुआ मैगजीन एडिटर, और वहाँ से मैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के तौर पर जाता था फिल्म क्रिटिक। फिर मैं सहारा में आया 98 से 2004 तक, फिर उसके बाद मैं दी हिंदू में लिखता रहा, फ्राइडे रिव्यूज़ में, क्लासिकल म्यूजिक में। तो मैं घोषित तौर पर क्रिटिक था, लेकिन मैंने ये सीखा या जाना कि साहित्य की समीक्षा, फिल्म की समीक्षा और किसी भी चीज़ की समीक्षा भी एक कवि को ही करना चाहिए। अगर एक कवि कर रहा है और वो सिर्फ आलोचक नहीं है, तो उसकी आलोचना या समालोचना निश्चित रूप से स्टैंडर्ड होगी, जैसा कि हम निर्मल वर्मा की फिल्म राइटिंग्स में, कुंवर नारायण की फिल्म राइटिंग्स में पाते हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी बातें मैं ये सब बोल गया, जैसे मैंने बताया ना कि त्रिलोचन जी और अभिनव गुप्त में था कि आपको ले लेना होगा उनमें से अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, वैसे ही अब तक जो मैं बोलता रहा, ये मेरे ख्याल से कुंवर नारायण की सिनेमाई दृष्टि पर ही मैंने बोला कि वो आंध्र बसन की बात थी कि वो फिल्म को कैसे देखते थे, ये नहीं, क्योंकि वो पोइट थे इसलिए वो फिल्म को एक खास ढंग से देखते थे। जिस तरह से कि उन्हें दिखा कि सत्यजीत रे की फिल्म में एक शॉट व्यक्त होने के लिए वक्त लेता है, आगे भी जुड़ा सकता कि वक्त बनाता भी अपना, तो ये जो वो कह रहे हैं ये एक दृष्टि है। जब वो फिल्म पर लिख रहे हैं तो एक दूसरी तरह की बात आ रही है, ये कुंवर नारायण की सिनेमाई दृष्टि है। सिनेमाई दृष्टि तो एक छोटे से वाक्य के लिए हम लोगों ने एक संघनित सा एक वाक्य बना लिया है, एक बहुत ही सरलीकृत कर लिया है, जो जिसका साधारणीकरण हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतनी देर तक उन्हीं पर बात की। और जब हम उनकी दृष्टि पर बात करते हैं तो दृष्टि हमेशा जीवंत होती है, जैसे जीवन होता है और जीवन नहीं रहता, लेकिन जीवन में जब जीवंतता आती है तो जीवंतता रह जाती है प्रेम की तरह, है ना। तो उसी तरह से कुंवर जी पार्थिव रूप से भले ना हो, लेकिन अपनी दृष्टि में, लोग कहते हैं कविताओं में हैं, कहानियों में हैं अपने, तो कविताओं में कैसे हैं, कविताओं में क्या वो शब्दों में है या शाब्दिक छंद में है या आकार मात्रिक कोई व्यवस्था है उसमें है। मुझे लगता है कि विजन से इम्पॉर्टेंट होता है, विजन ही रह जाता है, और वो विजन जो कि सूरज और चांद को भी नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं राजनीति की तरह कि
जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक, ऐसा नहीं। सूरज और चांद के पीछे भी जो एक इटर्नल साइलेंस है, जो ट्रैंक्विलिटी है, एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया या ज़्यादातर लोग खोजते रहते हैं। इसको आमतौर पर एक रिचुअल में आ जाके भगवान मान के लोग क्रियाकर्म या पूजा रिचुअल्स में चले जाते हैं, लेकिन वो जो हमारा जो रूप की जो दुनिया है उसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है क्या जो अरूप है उसके पार, जिसके लिए आपको शायद जाते जाते मैं इसका उल्लेख करूं कि रविन्द्रनाथ को जब नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई थी तो गीतांजलि बहुत ही स्लिम बुक था, तो उनसे उनके वहाँ से कहा गया था स्वीडन से कि आप इसको थोड़ा सा वॉल्यूमिनस करिए, मैंने और कविताएं जोड़िए। तो उसमें उस वक्त की जो पत्रिकाएं थी, खेया और इन सब जो उनकी कविताएं छपी थी वो इनको इकट्ठा करने लगे और कुछ कविताएं नई भी लिखे। नई कविता लिखते हुए उनके दिमाग में उनके पास एक लाइन आई, कुछ बात कौंधी जो होते ना मौलिकता, तो कौंधना जो होता है, तो वो जो कौंधा था उसमें एक वाक्य आया कि रूप सागरे डूब दिए थी और रूप रतन चाय हमारी। ये 2010-11 की बात है। उसी समय वो एक नाटक लिखे थे राजा, राजा में एक सुरंगमा और सुदर्शना जो रानी और परिचारिका है, एक रूम है जो अंधेरा है और रानी आके बोल रही कि यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है, राजमहल के सारे कमरों में लाइट है यहाँ क्यों नहीं है। तो जो परिचारिका बोल रही कि राजा का निर्देश है, अगर सारे कमरों में लाइट तो है, अगर यहाँ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, और वो अंधेरे में ही आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था है, और रोशनी वाले कमरों में तो लोगों की आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि जहाँ भी रोशनी होता है, उजाला होता है, तो वो जो भी वो अपने आप एक ऐसा चीज़ बना लेता है कि जहाँ पर लोगों को जाना अच्छा लगता है, उनको लगता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनकी पूरी हो रही है, जबकि और इनसिक्योर होता है वो रिचुअल में बदल जाता है। अगर वो घर में बदल जाए, कोई कमरे में बदल जाए, किसी भी चीज़ में, चाहे वो चर्च में बदल जाए या कोई मस्जिद में बदल जाए, तो वो तुरंत वो जलाशय जो होता है वो फिर तालाब बन जाता है, वो बहता हुआ नहीं है ना, क्योंकि बहता हुआ जो चीज़ है वही शायद नदी है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऑफ इविल पर पश्चिमी लोग, इस पर कुंवर से बहुत बात होती थी, पश्चिम के लोगों ने इतना विचार किया कि उन्होंने, क्राइस्ट ने तो कह ही दिया कि हमने पहले मनुष्य बनाया आदम और हवा, और उसके बाद फिर हमने लूसीफर भी बनाया, इविल वो भी रहेगा, जो खुद ही बना दिया ईश्वर ने। तो प्रॉब्लम ऑफ इविल को कैसे ख़त्म करें, हम लोग आसपास अपने घरों में, अपने भीतर बाहर हर जगह इविल देखते हैं, इसको कैसे ख़त्म करें, तो बाहर से तो कोई उत्तर नहीं मिलता है, कांट और बर्टन रसल तक। लेकिन रविंद्रनाथ बता कहते हैं कि जो नदी है देखने में सुंदर लगता है, उसके घाट वगैरह जैसे बनारस में, तो नदी का परिचय घाट से नहीं है, नदी का परिचय लगातार आगे बढ़ते रहने से, चेतना की तरह, हमारे कॉन्शियसनेस की तरह, तभी वो समुद्र से मिल पाएगा। घाट इसलिए है कि अगर घाट नहीं रहेगा तो पानी बिखर जाएगा, तो वो अपना जो अस्तित्व खो देगा, उसको जो लगातार आगे बढ़ते रहना है वो खो देगा, घाट होने से वो आगे बढ़ता रहेगा। वो जो घाट है वो इविल है, ये रविंद्रनाथ ऐसे इविल को समझाते हैं, राइट, प्रॉब्लम ऑफ इविल को ऐसे सॉल्व कर, जो एमए के पाठ्यक्रमों में दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है, जो कि कुंवर जी ने भी किया था। तो ये जो रविंद्रनाथ ने इविल के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो उन्होंने ईश्वर के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया था, जो राजा नामक नाटक में वो बोल रहे हैं कि राजा अंधेरे कमरे में अपनी रानी से मिले, रानी मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल सोल जीव, और राजा माने ईश्वर। तो रानी बोल रही कि मैं तुम्हें हीरो का हार दे दूंगी, मोतियों का हार दे दूंगी, तुम मुझे लाइट कर दो, नहीं करती है, क्योंकि लाइट उजाला आते ही वो एक अपने आप एक सर्कमफेरेंस भी बनाता है, अपने इर्द गिर्द दीवार भी बनाता है, जिसको हम लोग बचा के रखना चाहते हैं। और आप देखिएगा, कबीर कहते हैं कि वही मेरे साथ है जो अपना घर फूक के आ सकता है, जिस इमेजरी को तारकोवस्की ने सेक्रीफाइस में लिया कि प्रोफेसर अपना पहले घर ही जला देता है फिर वो बाहर निकलता है, जिसको कि लोग इनसेन समझते हैं। तो रविंद्रनाथ को जब ये लाइन आई कविता में, नोबेल प्राइज़ की कवि इसको वॉल्यूमिनस बनाने के लिए, कि रूप सागरे डूब दिए थी, मैंने रूप का जो सागर है उसकी मैंने डुबकी लगाई है, लेकिन मुझे वो रत्न चाहिए जो अरूप हो, यानी जो फॉर्म्स हैं उसके पीछे जो अरूप है, जिसके लिए सारे कवि, सारे ऋषि, वैदिक ऋषि से लेकर अरविंदो तक सभी लोग खोजना चाहते हैं वो क्या है, उसको थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से लेकर थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स तक सभी लोग खोज रहे हैं, जानना चाहते हैं। तो जैसे उनको ये सूझा, तो उन्होंने राजा नाटक को दोबारा लिखा। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने किसी कविता, किसी गान, किसी नाटक को कभी रीराइट नहीं किया, रीस्क्रिप्टिंग नहीं किया है। पहली बार उन्होंने एक नाटक को, दैट इज़ रीस्क्रिप्टेड एंड रीटाइटल्ड, उन्होंने राजा नाटक को अरूप रतन नाम से लिखा इस नाटक को,
और उसका नाम बदला, टाइटल बदला, और उसमें राजा अपीयर होता था राजा में, नाटक में, इसमें राजा अपीयर ही नहीं होता। उनको लगा राजा अपीयर कैसे हो सकता है अगर वो अरूप है। तो इस तरह से रविंद्रनाथ ने जो जैसे दिखाना चाहा या बताना चाहा चीज़ों को, कुंवर जी ने जब आत्मजय लिखा तो उन्हें लगा कि बात पूरी नहीं हो रही है। ठीक रविंद्रनाथ की तरह से उन्होंने फिर से उसकी रीस्क्रिप्टिंग की, रीटाइटल की वाजसभा के बहाने। उनको लगा कि वहाँ से देखना ही पूरा नहीं हो रहा है, पूर्णतर नहीं हो रहा है। वाजसभा के बहाने भी सेम चीज़ है, सेम सब्सटेंस या जो रॉ मटेरियल वहीं से लिया गया है, लेकिन अब वो जाकर के पूर्णतर हो रहा है। मेरी दृष्टि में मुझे ऐसा लगता है कि वाजसभा के बहाने में जब हम पढ़ते हैं आखिर तक जाते हैं तो वो बात पूरी हो रही है। कुछ बातें कुमार जी में भी आ रही है, दृष्टि के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर नहीं। जो मैंने रविन्द्रनाथ का उदाहरण देकर सिर्फ बताना चाहा कि कुंवर जी को वाजसभा के बहाने लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी। और ठीक यही चीज़ जब आप पवकत्सी सिनेमा का लेखक का सिनेमा जब पढ़ेंगे तो वो देखिएगा कि वो जितने भी फिल्मों की बात कर रहे हैं उनको जाना पड़ रहा है फिल्म समारोह में, और साधारण फिल्में देखनी पड़ रही हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आई है। तो लेकिन वो उन्हीं फिल्मों पर बात करना चाह रहे हैं जो कि उससे अलग है। अलग किस स्तर पर, वो कैसे चुनाव कर रहे हैं, वो जिस चीज़ के आधार पर चुनाव कर रहे हैं वो वही दृष्टि है। वो पवकत्सी पर लिखना चाह रहे हैं, वो किस की फिल्म दिखाएगी, थ्री कलर्स ब्लू इनॉग्रेटिंग फिल्म थी वो कोलकाता में 1990 या 94 में, हम भी थे वो भी थे, हम लोग कुमार शानी के ख्याल गाथा भी देखे थे, कई फिल्में थे तो उसमें ये देखे थे, और क्या नाम है उसका, लैंडस्केप इन द मिस्ट, ये 90 की उद्घाटन फिल्म थी, थियो एंजेलोपोरस की ग्रीक फिल्म थी। तो वो इन फिल्मों पर ही लिखना चाह रहे हैं, वो तारकोवस्की की फिल्म पर लिखना चाह रहे हैं, थियो एंजेलोपोरस की फिल्म पर लिखना चाह रहे हैं, पवकत्सी लिखना चाह रहे हैं, क्रिस्टोफ केसलोस की फिल्म लिखना चाह रहे हैं, मीनाक्षी की खंडर पर लिखना चाह रहे हैं, दूसरी फिल्मों पर नहीं लिखना चाह रहे हैं। चुनाव किस आधार पर कह कर रहे हैं, जैसे वो चुनाव कर ही नहीं रहे। जब परसेप्शन होता है तो वहाँ चॉइस नहीं रहता, ये यही परसेप्शन माने सिर्फ ये, मुझे सिर्फ यही देखना है, ये कुंवरनारायण की दृष्टि थी जो मुझे उनकी फिल्मों पर लिखने के लिए चुनी हुई फिल्मों के आधार पर जो मैं देख पाया, मुझे सिनेमाई दृष्टि थी। सिर्फ उनसे ये दृष्टि ही लेते हुए मैंने कुंवर जी पर फिल्म बनाई, और मैंने उसमें अपना कुछ नहीं रखा। मुझे लगा कि कुंवर जी की आवाज़ हो, वो अपनी आवाज़ में कविता पढ़े, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दृश्य से भी ज़्यादा अलग। फिर मैंने उन कविताओं के लिए, सिर्फ उन कविताओं के लिए जो मैंने पहले चुना कि कुंवर जी कैसे फिल्मों का चयन करते थे, तो वो चुनते नहीं थे बल्कि वो परसेप्शन था, वही दिखता था जो सिर्फ देखना चाहिए। दो फिल्मों में से चुन नहीं रहे हैं, वो एक तरह से जय कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस था। तो परसेप्शन का मतलब ही अवेयरनेस है, वो सीधे सीधे उसको वो फिल्म ले रहे हैं जिस पर उनको कहना है। सीधे सीधे मैंने उनकी सारी कविताओं में से उन कविताओं को लिया जिस पर मुझे इमेज में अपनी बात कहनी है, और फिल्म बनाई अपने सामने। हम लोग इस पर भी डिस्कस किए कि अपने सामने उनका ये भी है, कहीं उस किताब के साथ एक और ना हो जाए, तो उन्होंने भी उसी समय पूछा भारती जी से, भारती तुम बताओ कैसा रहेगा। तो सब लोग अंत में ये निर्णय पहुँचे कि अपने सामने ठीक है, और ये इसको मैंने अंग्रेजी भी किया तो फेसिंग द सेल्फ रखा, जो अपने सामने का शाब्दिक अनुवाद नहीं है, अपने सेल्फ को फेस करना। उसमें मैंने कुंवर जी को सामने रखा और सामने एक चेयर रखा जिसमें कोई नहीं है, यानी मूर्त और अमूर्त, जिसको सिर्फ वो देख सकते हैं, जिस दृष्टि जिस परसेप्शन से वो सारा जीवन कविता लिखते रहे, जीवन को देखते रहे, फिल्मों का चुनाव को देखते रहे या चुनते रहे कि किस फिल्म को चुनने का मतलब मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बता दिया कि क्या मतलब था। उसी तरीके से मैंने भी उनकी कविताएँ चुनी और उसमें कुंवर जी की आवाज़ रखी जिसमें वो अपनी कविता का पाठ कर रहे हैं। जो प्रश्न थे मैंने उसको लिख करके दिखा, स्क्रीन पर दिखाया, मैंने बोला नहीं, जिसका उन्होंने सिर्फ उत्तर दिया। तो बीच बीच में वो इन सवालों पर कि युवावस्था के दिनों में उनके सवाल क्या थे उनके जीवन में, है ना, जैसे मैं बोलता था कि द्विवेदी जी, हजाबशर द्विवेदी जी को मैंने कभी गुस्सा में नहीं देखा, या और उनके शिष्य लोग भी बताते हैं कि जब वो गुस्से में आ जाते थे खुद ही असहाय दिखते थे। तो ये आमतौर पर मुझे शायद किसी चाय वाले ने बोला था कि देखना ये चाहिए कि वो अपनी युवा दिनों में गुस्सा करता था कि नहीं, वयस्क होने के बाद तो सब शांत हो जाते हैं, है ना। तो ये मैंने युवा दिनों में उनके प्रश्न क्या थे लगभग इसी अंदाज में उनसे सवाल पूछा था, उसका उन्होंने उत्तर दिया। प्रॉब्लम्स ऑफ सफरिंग पर वो कैसे सोचते हैं, जैसे दुख पर क्या सोचते हैं,
प्रॉब्लम ऑफ डेथ पर वो कैसे सोचते हैं, मृत्यु पर मैंने पूछा, जीवन पर पूछा, प्रेम पर पूछा, वो उत्तर देते गए। ये जो पूछा हुआ जो मेरा सवाल था वो मैं स्क्रीन पर लिखे हुए रूप में आता है। मेरा पूरी फिल्म में करीब 35 से 40 मिनट तक की फिल्म है वो, जो बाद में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई भी गई और उसका पहला शो दिल्ली में हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, रजा फाउंडेशन का आयोजन था। उसमें भारती जी भी थी, अपूर्व जी भी थे और हम सब लोगों ने इस फिल्म को एक तरह से सेलिब्रेट किया। उस पर एक आयोजन रखा गया कि कुंवर जी का उत्तर जीवन, ऐसा कुछ नाम रखा गया था, जिसमें चार कवि भी थे जिन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुंवर जी खुद ही बात कर रहे हैं अपने कविता पर और कविता में निहित उत्तर जीवन पर, कि उसका उत्तर पक्ष क्या हो सकता है, है ना। जैसे हमारे नदी बहती है गंगा तो उसको उत्तर वाहिनी कहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है, वो हमें हमसे ऊपर की ओर ले जाती है। तो उत्तर का डायरेक्शन हमेशा इधर ही बनता है, जो जब कोई शव जलता है तो धुआं ऊपर की ओर उठता है, वो हमें हमसे ऊपर उठने का संदेश देता है आकाश की ओर। तो ये ऊर्ध्वगामी जो फ्लेम सिर्फ अग्नि का ही है, पानी का डाउनवर्ड्स है जो निम्नगामी वृत्ति हम लोग के भीतर होती है। तो कुंवर जी ने अपनी कविताओं में ही, कविताओं पढ़ते हुए हमें अपने स्तर से ऊपर उठाते हैं, हमें एक उत्तर जीवन की ओर ले जाते हैं, उत्तर वाहिनी कविताएं कह सकते हैं उनके बारे में। तो वो बहुत अच्छा पहला स्क्रीन बहुत अच्छा रहा। सारे साहित्य से जुड़े लोग थे, बहुत लोग थे हमारे परिचित, प्रयाग जी थे, मंगलेश जी थे, सारे लोग मिलकर हम लोग देख रहे थे। सबसे खुशी की बात थी कि खुद भारती जी थी, अपूर्व जी थे, उन्होंने तो इस पूरे आयोजन के बारे में जो अभी जिसको मास्टर माइंड कहते हैं तो बीज वहाँ से था, रजा अशोक जी का ये बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बहुत सत्कार के साथ मुझे ये वो दिया था अवसर। जैसे आज अर्णव जी, सॉरी अर्पण जी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ये इस कह सकूं, जबकि मुझे कहने नहीं आता, मुझे मैं साहित्य को मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं साहित्य की ओर से कैसे बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, या सिनेमा की ओर से कैसे बोला जाता है। तो मैंने वो अपने सामने फिल्म बनाई, तो छोटी फिल्म, शॉर्ट फिल्म है, इसको फिर बाद में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई नंदन कैलकटा में, फिर वहाँ दिखाई जा रही है सुन के भारतीय भाषा परिषद में कुसुम खेमारी जी ने कहा कि एक शो हमारे यहाँ भी कर लीजिए। फिर उसको फिर मैंने और भी, हाँ लखनऊ में, चूँकि मैं लखनऊ में अपने इनिशिएटिव लेकर खुद दिखाया, क्योंकि लखनऊ में रहें और लखनऊ में उनके घर में जाता रहा हूँ, तो कुंवर जी के जो लखनऊ के मित्र हैं सबको मैंने बुलाया और सब लोग आए। वो हमारी एक मित्र कात्यायनी, उनके उन्होंने बहुत अच्छा एक लाइब्रेरी बना रखा है, इसमें नीचे फिल्म दिखाई जाती है, हर संडे वो खुद दिखाती हैं, देखती हैं, और ऊपर एक लाइब्रेरी किताबों की जगह है। वो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गौतम जी दिखाइए, तो वहाँ हमने लखनऊ में जितने भी कुंवर जी के समय से लेकर के बाद तक जितने लोग थे सबको बुलाया और सब लोग आए। और उसकी जो चेयर कर रहे थे नरेश सक्सेना जी थे, वो भी बहुत आह्लाद के मूड में या मुद्रा में हम लोगों ने उस फिल्म का शो हुआ, दिल्ली में हुआ, फिर लखनऊ में हुआ, कलकत्ता में, और भी तमाम लोग अपने अपने शहरों में, इंदौर से मुझे, मैं नाम भूला, व्यास जी वो चाहते हैं कि उस फिल्म को दिखाया जाए। तो अच्छा ही है देखा जाए, उसमें कुंवर जी ही हैं, कुंवर जी अपने सामने हैं, अपनी आवाज़ में, अपनी कविताओं के साथ हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बहुत होगा तो अंत में मेरी एक आवाज़ आती है जी, इसके अलावा कुछ नहीं, वो भी वो वर्ण भी नहीं उच्चारित होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन लोगों ने पसंद किया है। और इस जब जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा तो जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से अर्पण जी उसके लिंक को भी शेयर कर देंगे आपको, आपके लिए आप उसको देख सकते हैं, फिल्म को भी देख सकते हैं। ऐसा वो इसके बाद हमारे इसको प्रवचन ही कहें तो वो इसमें ऐसा शायद करेंगे, और मैं शायद कुछ ज़्यादा ही भूल गया हूँ। जब आदमी बोलता है तो उसको ये सीखना चाहिए कि कहाँ पर फिर समाप्त भी, समाप्त हमारे अंत तो नहीं होता भारतीय परंपरा में, अंत और अवसान के लिए कोई अवसर नहीं है, यहाँ पर विराम होता है या विश्राम होता है। तो मुझे लगता है कि सारी बातें हो गई, उन पर हमने जो फिल्म बनाया उनकी हमसे कलकत्ता में जब ये भारतीय भाषा परिषद में दिखाई जा रही थी फिल्म, तो लोगों ने मुझसे कहा कि पूछा एक लड़के ने आकर कि आपके पहले पास ये जो इमेजेस हैं ये पहले से थे, आपने कविताओं के साथ फिट किया है, ये आपने इन कविताओं के लिए आप जाके शूट किए? तो मैंने बताया मैंने शूट किया है, और जो मैंने उनकी कविताओं को, उनकी कविताओं के लिए जो इमेजेस शूट किया है उस पर भी फिल्म बनी हुई है, जिसको हम लोग के यहाँ कहते हैं कि मेकिंग भी बनाना। जैसे कोई फिल्म बन रही होती है तो उसको भी साथ साथ लेते चल रहा है, जैसे निमाई घोष स्टिल फोटोग्राफी करते थे सत्यजीत रे के साथ, या स्वयं निक्विस्ट बर्गमैन के साथ भी करते थे, शॉर्ट भी ले रहा साथ में, बिहाइंड द फिल्म भी बनाते चल रहा। तो मैं जितनी भी उनकी जो कविताएं थी उन कविताओं को मैंने उस तरह से नहीं कहा जैसा कि कमर्शियल सिनेमा में कहा जाता है
कि जो वो बोल रहे हैं कि अग्नि तो मैं अग्नि दिखाऊं, वो बोल रहे हैं शमशान तो मैं शमशान दिखाऊं, ऐसा नहीं किया कमर्शियल सिनेमा की तरह। मैंने इसको पोएटिक सिनेमा के तौर पर बनाया कि 100 साल के जो कमर्शियल सिनेमा में जो 10-15-20 साल की जो उम्र बनी है पोएटिक सिनेमा की, उससे सीखते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए, यानी बर्गमैन, ब्रेसॉन, तारकोस्की और किस्लोसी के सिनेमा को आगे बढ़ाते हुए हमने खुद अपनी पोएटिक सिनेमा की जो लैंग्वेज बनाया, सिनेमेटोग्राफिक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में बनाया। उसमें पहाड़ कहने पर पहाड़ नहीं है, नदी कहने पर नदी नहीं है, और उनकी लंबी कविता के लिए कट शॉट न लेकर के लॉन्ग शॉट्स लिए, और जो वो कहने वाले हैं उसको मैंने पहले दिखा दिया इमेज, ताकि वो इमेज आपके पास रजिस्टर हो चुका रहेगा, और जब वो कविता का जब वो उच्चार में वो इमेज आएगा तो आपके भीतर इमेज सबकॉन्शियस में चला गया है, वो वहाँ से फिर से इमर्ज करेगा। हाँ, इससे क्या होगा, जब वो कोई शब्द बोलेंगे, कोई बिंब बोलेंगे और उसको आप सामने नहीं देखेंगे और वो आपके भीतर से इमर्ज करेगा, जैसे कि हम कविता कहानी पढ़ते हैं तो भीतर से सोचते कल्पना करते हैं तो अच्छी लगती है। सिनेमा में, सिनेमा आपको ऐसा करने नहीं देता, कमर्शियल सिनेमा ऐसा नहीं करने देता, क्लासिक सिनेमा ऐसा करने देता है, वो एक टाइम तैयार करता है, टाइमलेस टाइम तैयार करता है। हम पहले अगर उस इमेज को अगर दिखा दें और वो इमेज आपके पास उसी समय रहे थोड़ी देर पहले, इसको नाट्यशास्त्र में पूर्व रंग कहा गया है, जिसका कि बहुत ही सरलीकृत चीज़ें संस्कृत नाटकों में हम लोग देखते हैं, जो उसका अर्थ नहीं होता है, तो अगर आपके पास उसकी पूर्व, उसका पूर्व रंग है पहले से, और जब वो शब्द उच्चार हुआ कुंवर जी की आवाज़ में, तो वो इमेज सामने नहीं दिखा, वो आपके भीतर इमर्ज हुआ, आपके भीतर भीतर की यात्रा हो रही है। अगर सामने होता तो क्या होता, और सामने नहीं होने पर भीतर से हो रहा है तो क्या होता, इसको बोल लें अंत में। सामने अगर होता तो आप कविता नहीं सुन पाते, कविता सुनने के लिए जो खामोशी चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, कि आप कविता सुने, आपको सुनाई दे, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब न करे, इसलिए इमेजेस वैसे रखे गए हैं कि आप कविता सुनने पर ही आपका पूरा मनोयोग हो, आप सुने और सुनते हुए देखें, माने सुनाई पढ़ने का दिखे, जो ध्वनि है उसमें दृश्य हो, न कि सामने जो दृश्य दिखाया जा रहा है। तो सामने जो इमेजेस हमने लिए हैं वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है कि आपको सुनाई प्रोमिनेंट ढंग से दे, आपको अविकल सुनाई दे, आपके भीतर के जो माइंड का जो शोर है वो चला जाए, जो सतीजीत रे पर कुंवर जी ने कहा था वो चला जाए, साथ ही जो वो बोल रहे हैं वो आपके भीतर से अपीयर हो, वो जो कुंवर जी बोल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि मैंने कोई शब्द बोला या कुंवर जी ने कोई शब्द बोला, आप अपने अनुभव संस्कार के अनुसार उसका अर्थ ले रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अग्नि बोला है उन्होंने, आग बार बार उनकी कविताओं में आता है। अब आग जो है, मान लीजिए कि गांव की कोई औरत है जो अंगीठी पर रोटी को सेकती है, उसके पास चिमटा नहीं है, तो वो हाथ से सेकती है दोनों तरफ, ऐसा सेकते सेकते उसके इस तरफ का संवेदन चला गया है ना। तो जब उसके बच्चे को ज्वर होता है तो वो ऐसे देखती है, ऐसे नहीं, क्योंकि उसको पता चलेगा कि ज्वर है या नहीं, है ना, उसके लिए आग का ये मतलब है, अंगीठी, रोटी आदि आदि। अच्छा, एक फिल्म आई थी परिंदा, जिसमें नाना पाटेकर की पत्नी आग में जल गई थी, तो आग से डरता था, आग बोलती हुई डरने लगता था, है ना। एक कोई योगी सन्यासी जो हमेशा यज्ञ हवन में लगा रहता है, तो जब रंगमंच पर आकर के मैं अगर बोलूँगा आग, अगर ये तीनों दर्शक हमारे सुनते हैं तो उस महिला को अंगीठी समझ में आएगा, उसको यज्ञ हवन और उसको भय, तो आपका अर्थ तो गया ही नहीं।